सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स फॉर एग्जाम्पल प्लस फॉर एडिशन, माइनस, स्लैश फॉर डिवीजन, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज साइन फॉर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मीन्स इफ फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 13 मॉड्यूलेट 3, हेयर वैल्यू ऑफ अ विल बी ए विल बी 1, द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, डबल प्लस यूनरी ऑपरेटर्स, ए इक्वल्स टू 5, ए प्लस प्लस इसमें हम इंक्रीमेंट कर देते हैं वैल्यू को, माइनस माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है जहाँ पर कि हम ए अगर ए की वैल्यू 5 है और हमने लिखा ए माइनस माइनस तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल HTML बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट, वेर, वेर एक फंक्शन है जिसमें कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वेर एन कॉमा ए, एन भी एक वेरिएबल है और ए भी एक वेरिएबल है, एन इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है जिसमें कि वैल्यू मांगी जा रही है और वो वैल्यू स्टोर होगी एन नाम के वेरिएबल में, ए इक्वल्स टू एन इंटू एन मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी एन इंटू एन, एन की जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा क्योंकि प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करा गया तो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, तो ए इक्वल्स टू एन इंटू एन, तो एन इंटू एन में जो भी वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू हो जाएगी। अब ए की वैल्यू को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए फंक्शन है अलर्ट, अलर्ट स्मॉल ब्रेसेस में ए, क्लोज स्क्रिप्ट, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML, इस तरह से 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी यूज़र से वैल्यू मांगी जा रही है प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू और फिर उसको कैलकुलेट करके अलर्ट फंक्शन के साथ प्रिंट किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट, VAR ए कॉमा बी कॉमा आर, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं, ए इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, ए एक वेरिएबल है जिसमें कि यूज़र से वैल्यू मांगी जा रही है प्रॉम्प्ट कमांड के थ्रू, बी भी सेकेंड वेरिएबल है जिसमें सेकेंड वैल्यू ली जा रही है यूज़र से, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी वो आर नाम के वेरिएबल में स्टोर की जा रही है। अब आर को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए जावा में अलर्ट फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो अलर्ट और स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा आर, क्लोज स्क्रिप्ट, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML, तो इस तरह से यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को प्लस करके एक थर्ड वेरिएबल आर में स्टोर करके प्रिंट कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर मतलब किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में चेंज करना या इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना, इसके लिए कमांड है प्रॉम्प्ट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू एज स्ट्रिंग। प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करता है, कोई भी जब हम न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते हैं या यूज़र से एंटर कराते हैं तो वो उस वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। एंटर थ्रू प्रॉम्प्ट आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग बट इफ़ वी अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एस्ट्रिक स्लैश माइनस एंड परसेंट टू देम दे आर ऑटो कन्वर्टेड टू नंबर टाइप्स बट इन केस ऑफ प्लस ऑपरेटर द हैंडलिंग ऑफ वैल्यूज रिटर्न टू प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट सिंस प्लस फंक्शन एज एडिशन एज वेल एज कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर व्हेन प्रॉम्प्ट फंक्शन रिटर्न एनी नंबर एंटर्ड बाय द यूजर एंड द नंबर आर कॉन्कैटेनेटेड इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडेड इन सच केस नंबर्स नीडेड टू बी एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू देयर न्यूमेरिक इक्विवेलेंट्स दिस इज डन बाय जावास्क्रिप्ट फंक्शन पार्स आईएनटी। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट VAR, ABR, ABR एक 3 वेरिएबल्स हैं, A इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट फंक्शन एंटर अ नंबर, प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या कर रहा है यूज़र से नंबर मांग रहा है जो कि A में स्टोर हो रहा है, ऐसे ही सेकेंड नंबर B को यूज़र से लिया B में स्टोर हो गया, देन A इक्वल्स टू पास INT A, मीन्स पास INT A क्या कर रहा है वो इंटीजर टाइप वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा है, तो किसी इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए पास फंक्शन को यूज़ किया जाता है और इंटीजर मीन्स फुल नंबर। सेकेंड वैल्यू ली गई जो कि बी नेम में बी में स्टोर करी गई थी उसको भी इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर दिया गया। आर इक्वल्स टू ए प्लस बी अलर्ट आर तो ए प्लस बी करके जो भी रिजल्ट आया वो अलर्ट फंक्शन ने उसको प्रिंट कर दिया। पार्स INT टेक्स द वैल्यू टू बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स इट न्यूमेरिक इक्विवेलेंट, न्यूमेरिक इक्विवेलेंट यहाँ पर भी उसने क्या करा उसको एक न्यूमेरिक बनाकर
न्यूमरिक को स्ट्रिंग या और स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमरिक बनाकर प्रेजेंट करता है। नंबर्स रिटर्न बाय प्रॉम्प्ट फंक्शन आर एज स्ट्रिंग आर कन्वर्टेड इनटू इंटीजर पार्स बाय पार्स INT फंक्शन। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉन्कैटेनेशन एडिशन ऑपरेटर विल ऑकर एंड नंबर विल बी एडेड। कन्वर्टिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग, नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर स्ट्रिंग इक्विवेलेंट बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन। तो किसी भी इंटीजर टाइप वैल्यू को स्ट्रिंग बनाने के लिए हम टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल var a इक्वल्स टू 100 सेमीकोलन, a की वैल्यू 100 है। var b इक्वल्स टू a डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन, यहाँ पे जो b में वैल्यू स्टोर होगी वो कैसी होगी, a की वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, उसको a की वैल्यू को स्ट्रिंग बनाना है तो a डॉट टू स्ट्रिंग, तो a की वैल्यू जो 100 थी वो स्ट्रिंग बनकर b नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो हेयर वेरिएबल b इज़ अ स्ट्रिंग टाइप सिंस वैल्यू 100 इज़ कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग टाइप 100। स्ट्रिंग टाइप मतलब न्यूमरिक वैल्यू को स्ट्रिंग बनाने का मतलब है कि स्ट्रिंग वैल्यू में अब हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। कॉन्कैटेनेशन इन जावास्क्रिप्ट, वी हैव सीन प्लस ऑपरेटर फॉर एडिशन। प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज विद स्ट्रिंग टू कॉन्केट देम। कॉन्केट देम मतलब टू स्ट्रिंग्स को प्लस करके लिख देना, एक साथ लिख देना। दिस हेल्प इन डिज़ाइनिंग यूजर आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल HTML बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट, var वेरिएबल के लिए डिक्लेयर करने के लिए var फंक्शन, a कॉमा बी कॉमा आर। ए में फर्स्ट वैल्यू ली गई प्रॉम्प्ट फंक्शन की हेल्प से, सेकेंड वेरिएबल b है उसमें भी सेकेंड वैल्यू यूज़र से ली गई, देन अब क्या करा जा रहा है उसको डिक्लेयर करके स्टोर करा जा रहा है। तो a इक्वल्स टू पार्स INT a नाम की वैल्यू को स्ट्रिंग बनाना है, इसलिए पार्स INT को यूज़ किया गया और स्ट्रिंग बनाकर उसको ए में स्टोर कर दिया गया। सेम एज बी में भी बी यूज़र से जो वैल्यू ली गई उसको स्ट्रिंग बनाकर, इंटीजर टाइप वैल्यू थी उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए पास INT फंक्शन के साथ लेकर उसको कन्वर्ट करके बी में स्टोर करा गया। देन आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पर आर में ए और बी को प्लस किया जा रहा है। देन अब उसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आर इक्वल्स टू आर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होकर आया उसको स्ट्रिंग बनाना है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करा गया, जो भी आंसर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है जैसे आर, तो आर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन। अलर्ट का यूज़ हो रहा है प्रिंट करने के लिए विद इन इन्वर्टेड कॉमास द आंसर प्लस आर। प्लस आर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट है द आंसर इज़ उससे आंसर को कनेक्ट करके लिखना है, तो यहाँ पर प्लस साइन लगाया जा रहा है तो द आंसर इज़ प्लस आर, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा द आंसर इज 78। नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग सिंपल फंक्शंस। मींस अभी तक चैप्टर में हम लोगों ने जावा से रिलेटेड टू फंक्शंस को पढ़ा है, अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट फंक्शंस। अलर्ट फंक्शन जो कि हमारी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और प्रॉम्प्ट फंक्शन जो कि यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। सेम एज जावा में यूज़र अपने आप भी किसी भी फंक्शन को क्रिएट कर सकता है जिनको कहा जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो फंक्शंस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बट डिफाइंड बाय द यूज़र आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम HTML बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट अलर्ट इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमास हेलो क्लोज स्क्रिप्ट क्लोज बॉडी क्लोज HTML। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, डायरेक्ट हेलो वर्ड को अलर्ट फंक्शन के साथ प्रिंट कर दिया जा रहा है। अब हेलो वर्ड को हम एक फंक्शन क्रिएट किया जा रहा है ग्रीट फंक्शन नाम से, उसमें हेलो वर्ड को लिखा जाएगा और जब उस ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे तब वो प्रिंट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल वर्जन 2 HTML बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट फंक्शन ग्रीट फंक्शन, पहले फंक्शन को डिक्लेयर करा गया, डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन ग्रीट ब्रेसेस ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब जिसको आप जितना पोर्शन आपको इस फंक्शन में लिखना है उस फंक्शन को आप अलर्ट फंक्शन के साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा अलर्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमास हेलोज कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो यहाँ पे ग्रीट नाम के फंक्शन में हेलो वर्ड को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए डिक्लेयर करा गया। देन अब ग्रीट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है सिंपली, वहाँ उसी के नीचे लिखा जाएगा ग्रीट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्लोज स्क्रिप्ट क्लोज बॉडी क्लोज HTML। तो जब फंक्शन एक फंक्शन बनाया गया उसमें हमें जो भी प्रिंट करना है उसको वहाँ पे लिख दिया गया, फिर जस्ट उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके फंक्शन को कॉल करा जा रहा है, तो ऊपर जो फंक्शन में लिखा गया था वो प्रिंट हो जाएगा। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन
function greet function. Function's definition has its own block defined by the pair of curly braces open and close. जैसे यहाँ पे दिया गया तो फंक्शन एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाएगा, तो लिखा गया फंक्शन ग्रीट ब्रेसेस ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज विद इन इट्स ब्लॉक फंक्शन कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स विच नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय दैट फंक्शन. तो फंक्शन ग्रीट फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन अलर्ट हेलो और क्लोज कर्ली ब्रेसेस. तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करके और वैल्यू को हम वहाँ पर लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फंक्शन को कॉल करके उस वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं.